तुम अभी पता है झारखंड में एक लेडी है जो ट्रेन चलाता है। हाँ, आपको मालूम है हाँ पढ़ा मैंने। लक्ष्मी लाखड़ा, वो हमारे कैंपेन की रोल मॉडल थी। उनको भी लेके गए थे हम अपने साथ। ट्रक यात्रा में वो आई, उन्होंने सबसे मिली और सबको बताया। क्योंकि यू नो, ये दिस इज वेरी कॉमन। सब बोलते हैं कि ये सब चीजें तो गांव में नहीं होती हैं, कि हमारे गांव में ऐसा नहीं होता, ये सब शहर में होता है। पर द पॉइंट इज, ये आपके गांव से ही निकली है, ये आपकी सेम कम्युनिटी से है। फिर भी अभी वो नॉर्दर्न रेलवे की फर्स्ट वुमेन रेलवे इंजन है ड्राइवर। सो शी हैड कम विद अस फॉर द ट्रक यात्रा एंड इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज शी वॉज लाइक अ रोल मॉडल अ लॉट ऑफ गर्ल्स कुड रिलेट टू। ये लड़की लोग वहां पे माने फुटबॉल टुटबॉल सब माने देश टू प्ले है हाँ, थोड़ा आप शुरू किया है। स्कर्ट में। नहीं, अभी स्कर्ट नहीं, बट अभी थोड़ा शुरू किया है धीरे धीरे। अभी पेरेंट्स से बहुत परमिशन लेना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम लोग पब्लिक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लेग्राउंड नहीं मिलता है, और एक्चुअली फुटबॉल चूज करने के लिए भी पहले हम लोगों ने बहुत बात किया था। बिकॉज पहले क्या आइडिया था कि हम लोग लड़कियों को के साथ काम शुरू कर रहे हैं, कैसे सब लड़कियों को सेंटर तक बुलाएंगे। तो सबने बोला सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं या कुछ। सो द आइडिया वॉज टू ऑल्सो नॉट री इन्फोर्स दैट स्टीरियोटाइप कि अगर लड़कियों का टीम है या लड़कियों का कलेक्टिव है, ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ सिलाई का ही काम करेंगे, दे कैन ऑल्सो प्ले फुटबॉल। देन वी वर डूइंग लॉट ऑफ बैडमिंटन, वी वर डूइंग कबड्डी, कैरम, यू नो। बट देन द गर्ल्स देमसेल्व स्टार्टेड सेइंग दैट वी वॉन्ट टू गो आउटसाइड द हाउस। कबड्डी तो अभी भी हम लोग घर में आंगन में खेल लेते हैं, बट गोइंग टू दैट प्ले ग्राउंड विच यूजली ओनली बॉयज गो टू वॉज समथिंग ऑल ऑफ अस वॉन्टेड टू डू। सो देन अभी बहुत लड़ाई होता है। इट्स नॉट लाइक प्ले ग्राउंड तक पहुँचना बहुत ईजी है। वहाँ पहुँचते हैं तो लड़के सबसे टीज करते हैं कि तुम कैसे खेल रही हो, वो देखो वो भाग रही है। एक तो लड़कियों के साथ ये भी है कि यू नो लाइक दे ऑल से कि उसका ब्रेस्ट छिल रहे हैं, इतना उछल क्यों रही है, इतना कूद क्यों रही है, बेशरम हो गई है, खुले में खेल रही है। सो वो वाला चैलेंजेस बहुत आता है। बहुत सारे बॉयज अभी भी खड़े होके मैच देखते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, साइकिल की हवा निकाल देते हैं। अगर लड़कियों के साथ बाबा, एक जगह तो उन्होंने जो लड़कियां जब आई थी तो उन्होंने दुपट्टा रख के साइड में रखा और दे वोर लाइक अ टी शर्ट एंड ऑल, सो दे बर्न देयर क्लोथ्स just to chedo them, like that's bad. It was very bad. So there is a lot of resistance. It's not like it's very easy for girls to play football because it means being out in the public, it means occupying a public space which is usually seen as a boys' place. It means playing a game which is always associated with boys. Yeah, I mean, if you tell me that okay, soccer or football, I can only relate to boys. Yeah. But tell me, what kind of clothes they used to wear? So they play in their clothes that they come for. They have never insisted that they should change into a sports uniform or a football jersey or like, you know. But gradually now girls have really started identifying or seeing their identity from that football team. So they want to wear that jersey. But pehle salwar kameez mein, dupatta mein hi khelte the. And now you are giving them jersey also. They themselves are pooling in, saving money and buying jerseys for their team. And they always share. I remember so many girls have shared ki ab hamari jo identity hai gaon mein, it's like we are part of that football team. So they also feel like we are part of a team. And so technically they wear the jersey which is for boys. It's not for boys. We usually associate it with boys. It is for everybody. So girls can also wear it, boys can also wear it. We are just used to seeing it more on boys, so we think it's for boys. There have, you know, there is this one group of girls which shared that उनका experience था कि जब उनके गांव में कोई मेला होता है या जब कोई event होता है तो जो stage setup करने का पूरा responsibility होता है या sound vendor के साथ काम करने का responsibility होता है, वो सब लड़कों को देते हैं। Because लड़कियों को तो नहीं समझ में आएगा mic कैसे check test करना है, कौन सा तार। एंड दे सेड कि इस बार हम लोगों ने वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, हमारे ग्रुप ने, हमने साउंड वेंडर के साथ नेगोशिएट किया। हम ऑल गर्ल्स एंड दीज आर ऑल 13, 14, 15 ईयर ओल्ड गर्ल्स हु वर बेसिकली वर्किंग विद द साउंड टीम टू टेल देम कहाँ पे माइक लगाओ, कहाँ पे ये करो। एंड दैट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस फॉर देम। सो देन देर वॉज दिस वन टाइम वेयर वी वर ऑल इन एन अकेडमी फॉर 15 डेज
And for football, we had given everybody like a track pants and track suit. And it was so interesting because for 15 days, the girls were living in those track pants and track suits. 15 days they were only that. वो अपने घर से पूरा सामान लेके आए थे but फिर भी वो लोग सब time अपना jersey पहन के घूमते थे. तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या है यार तुम लोग अपने कपड़े लाए हो like रोज क्यों पहन रहे हो. And then they said you know कि this is a uniform that is always seen as boys का uniform. और ये हमको घर जाके पहनने को नहीं मिलेगा. हम यहाँ पे पहन सकते because pant shirt is seen as something which boys wear. So it was you know this want to this ability to challenge this question and question this norm is also something which is very empowering for a lot of us. Showing that change is happening and they are leading that change themselves. But Sanju, so many young girls are questioning, how does the family take? Yeah, it's quite difficult actually. शुरू में तो बहुत problem था families क्योंकि हम लोगों के लिए भी first time हमने ये काम शुरू किया था. हम जिन partner organizations के साथ काम करते हैं उनके लिए भी first time था. और वैसे भी sexuality के बारे में बात करना, body के बारे में बात करना, लड़कियों से उनकी mobility के बारे में बात करना है something which I mean हम लोग नहीं करते हैं. हम लोग अपने घर में भी sex के बारे में तो बिल्कुल ही बात नहीं करते, right? तो काफ़ी डिफिकल्ट था. काफ़ी टाइम तो मदर्स आके सेशंस में बैठती थी. फिर फुटबॉल खेलने के लिए परमिशन नहीं मिलता था. भाई उनके छोटे भाई आते थे उनके साथ देखने की क्या पढ़ा रहे हैं लड़कियों को क्या नहीं पढ़ा रहे हैं. फिर धीरे धीरे हम लोगों ने पेरेंट्स को कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करना शुरू किया. बाकी जो गाँव में लोग हैं पंचायत के लीडर्स हैं बाकी जो भी लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना शुरू किया बिकॉज there was also this desire by the girls to change everything immediately. You know, they were learning so much. I remember there was एक event था उसमें एक लड़की ने बहुत mic पे आके बहुत confidently और aggressively पूरे गाँव को बोला कि आप लोग तो लड़कियों को कुछ समझते नहीं हैं और आप लोग लड़कियों को एक जानवर की तरह पिंजरे में बांध के रखते हैं. आप उसको कुछ करने नहीं देते. ये बोला mic पे. उसके बाद वहाँ की जो संस्था की जो हेड है उनको अपोलोजाइज करना पड़ा माइक पे क्योंकि सारे गांव के ओल्ड लोग थे लीडर्स थे पंचायत मेंबर्स थे. तो उसके बाद काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ. बॉयज़ के साथ बात की. जब मैंने उनके साथ बात की तो बहुत सारे बॉयज़ ने बोला कि आप इनको बिगाड़ रहे हैं आप इनके संस्कार आप इनकी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है. लड़कियों को ऐसे बोला लड़कियाँ हमारे मुँह लग रही हैं आप उनको संस्कार सिखाइए आप उनको तमीज़ सिखाइए ये क्या है फुटबॉल खेलने से क्या होगा. सो दीज थिंग्स हैव हैपेंड अ लॉट बट आई थिंक धीरे धीरे सबने मिलके बहुत बात किए. बेसिकली देर शुड बी अ लॉट ऑफ स्पेस टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन. ये डायलॉग करने की जगह ही नहीं है कि जहाँ लड़कियाँ अपने बारे में सोच सकें या अपने खुद के बारे में अपने स्वास्थ्य अपने हेल्थ के बारे में अपनी लाइफ के बारे में सोच सकें. सो आई थिंक धीरे 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 करके सबको कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व किया है. और दिस चेंज कैन नॉट हैपन ओवरनाइट ना. यू कैन गो टू वन विलेज एंड देन टॉक एंड देन गो बैक. या इट कांट हैपन ओवरनाइट बट इट कैन हैपन. सो दैट डजंट बट माय बिलीफ इज दैट एवरी लिटिल थिंग लीड्स टू द बिगर चेंज. सो इफ वी कीप एट इट इवन इफ टुडे वन गर्ल फाइट्स विद अ फैमिली एंड मैनेजेस टू complete her education, that is change. If tomorrow she manages to, even if she, so if she gets married to someone from with her own choice or chooses to not even get married, that's a big change. So you know where she's able to decide for herself. And it will take time, it's not easy because everything girls around us not get married. Girls are born to get married. No, see that's what we have to change. Nobody is born to do something. We and that is society, all na, create Sanjana. This pressure that as a girl you're meant to do something. Girls, मतलब ऐसा नहीं है. और उतना ही pressure I think boys के ऊपर भी होता है. That boys shouldn't cry or boys shouldn't do this and girls should do this. Should and should not is what we all have to question. This normalizing of what boys should do and what girls should do, and it can happen.